उम्रा के लिए कराची से जद्दा जाते हुए हवाई जहाज फेन में ठहर कर जाए तो उम्रा की नियत कहां से की जाएगी? देखिए, आप जा रहे हैं उम्रा करने, मैं तो मशवरा ये देता हूं कि आप एयरपोर्ट पे नियत करें। जब बोर्डिंग कार्ड मिल जाए आपको, 100% अब आपका एक तरह से प्रोग्राम बन गया कि अब आपको जहाज में बैठना है, तो उसी वक्त आप एहराम बांधें, वहीं नफिल पढ़ें और नफल पढ़ने के बाद में तलबिया पढ़ें और उमरा की नियत करें, वहीं से कर लें। उसकी वजह क्या है? बात तो जरा गैर मुनासिब लगती है लेकिन मैं कह दूं असल बात क्या है। अच्छा, ये जो मैंने कहा कि घर से नहीं वहां जाकर के नियत करें, इसकी वजह यह है कि हमारी TIA ने इतनी तरक्की कर ली है कि कभी कभी दो दो दिन फ्लाइट उड़ती नहीं। अगर आप एहराम की नियत कर लें तो एहराम उतार ही नहीं सकते आप, सारी पाबंदियां मौजूद। तो अब जब बोर्डिंग कार्ड मिल जाए तो है ना 100% कभी अब उड़ना, अब जाना, अब नियत कर लें आप। और अगर फ्लाइट कैंसिल हो जाए, कुछ हो जाए, तो बगैर एहराम के आप आराम से जो है वो गुजर सकते हैं। फिर ये कि जब आप एहराम की नियत करने के बाद जितना सफर करेंगे हर कदम के बदले नेकी है, तो आप इस नेकी से क्यों महरूम हो रहे हैं? ठीक है, हरचंद के मीकात आने से पहले पायलट ऐलान करता है कि अब मीकात आने वाला है कोई आध घंटे या 20 मिनट, तो अब आप जो है वो एहराम कर नियत बांध ले। इसी तरीके से पानी के जहाज में भी जहाज वहां रुक जाता है, जलमलम एक पहाड़, तो कहे जाता है कि भाई सब एहराम बांध ले आप, इसलिए कि अब जहाज जो है वो आगे जाने वाला। तो अपने ही शहर से नियत करके जाएं तो इसमें सवाब ज्यादा होगा। अल्लाहु 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 अल्लाहु।